ऐसे ही चलते नजारे, फिर ऐसे ही चलते हैं। जब यार दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही चलते, हारी जा रहा है लेकिन सुकून नहीं आ रहा। लो जाने फिर भी नहीं, दोनों लड़ी जा रहे हैं। पहले कह रहा था आप अकेले जा रहे हैं, ये आगे कह रहे थे मैं जा रहा। मतलब चीज देने से पहले कस्टमर अपनी तसल्ली पूरी करे और फिर ले, इसका डब्बा भी खोल के देख लेंगे। दो ब्रोस्ट दे दें स्पाइसी। अस्सलाम वालेकुम टू अनदर व्लॉग, वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में, एक नई शाम में। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सीन कुछ इस तरह से कि आज मैं आया हुआ हूँ इस टाइम पे सलाम मॉल में और तो मुझे यहाँ से कुछ परचेजिंग करनी है। चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। ये है जी एंट्रेंस सलाम मॉल की, अंदर इसके है पांडा। पांडा से मुझे एक्चुअली एक वैक्यूम क्लीनर खरीदना है, तो मैं जाता हूँ पांडा में वैक्यूम क्लीनर खरीदने। माशाल्लाह मैं क्यों जा रहा है? मैं ही हम नहीं जा सकते। नहीं समझ रहे हो ना सर, आप पहले हैं सर, आप पहले, हम बाद में हैं। हम बोले माशाल्लाह बहुत ज्यादा रश है आज, बहुत ज्यादा। और वो सामने रहा पांडा, हर बार की तरह उसामा साहब और अदील साहब मेरे साथ, मेरे हमनवा, मेरे हम सफर की तरह। पहले कह रहा था आप अकेले जा रहे हैं, ये आगे कह रहे थे मैं जा रहा हूं। ये हम सब जा रहे हैं। तो जी फाइनली हम लोग पांडा में आ गए हैं और ये सेक्शन इनका है वेजिटेबल सेक्शन। यहाँ पे जूस वगैरह लगे हुए हैं और ये इनके डिस्प्ले बड़े बड़े। और हम लोगों ने मैंने लेना है वैक्यूम क्लीनर, तो मैं जाता हूँ सीधा बिना टाइम जाया किए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में। तो ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, मैं यहाँ से देखता हूँ वैक्यूम क्लीनर किधर पड़ा हुआ है और लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये लगे हुए हैं जी इनके वैक्यूम क्लीनर और मुझे लेना है ये वाला जी पास का वैक्यूम क्लीनर। तो जाता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा, हाँ बंदा मौजूद है, इससे पूछता हूँ क्या प्राइस है और लेता हूँ। अच्छा जी, उस बंदे ने मुझे बोला यहाँ पे चले जाओ, सामने ही पड़ा हुआ है। ये वैक्यूम क्लीनर है जिपास का, ये मैंने यहाँ से परचेज करना है और पाकिस्तान भेजना है। ये है जी 300 रियाल में और अभी बड़ी हैवी ऑफर चल रही है, 50% ऑफ 150 रियाल में, 149.50। चीज लेने से पहले हमेशा आप उसको फिजिकली भी चेक कर लें। पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है, वहाँ पे लोग जाते हैं और डब्बा उठा के ले आते हैं, बाद में क्या अंदर से निकले क्या नहीं। तो यहाँ पर तो आप उसको फिजिकली भी चेक कर सकते हैं उसका वेट। मतलब चीज लेने से पहले कस्टमर अपनी तसल्ली पूरी करे और फिर ले, इसका डब्बा भी खोल के देख लेंगे। सही है, जबरदस्त सामा ट्रॉली लेके आ गए, यहाँ से एक डब्बा उठाते हैं और रखते हैं और साथ लेके जाते हैं। सामा भाई मुझे पसंद आ गया, उठाओ इसको रखो, ये ऊपर वाला बेशक उठा ले। वो उधर से बिल होगा लेकिन बंदा वहां पे अभी नहीं है। अदील देख, इसके यही काम है बस, अपने मोबाइल में ही घुसा रहता है। इसको वो फाइन की प्राइस चेक कर रहा है। सात बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। यार ये क्या बंदा है, फैन को फाइन। इसके काम देख लो, ले लो इधर बड़ी हैवी ऑफर्स लगी हुई है। वो देखो कस्टमरों की लाइनें चेक करो और हम लोगों ने भी उन लाइनों में लगना भी जाके। अदील भाई ना ये फैन चेक कर रहे थे, ऑनलाइन आ रहा 169 का और पांडा वालों ने ये सेम फैन लगाया 159। ओह माय गॉड, पूरे 10 रियाल का फायदा आपको, पूरे 10 रियाल। हाँ मॉडल नंबर तो सेम है वाला, ले लो अगर पसंद आ रहा तो ले लो। हम इंस्टॉलमेंट पे लेगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंस्टॉल ताबे से, यहाँ पे सऊदी अरब में एक चक्कर है कि आप ताबे से। अच्छा ताबे का मुझे बताएं कैसे, क्या सीन है ताबे से, आप कैसे ले सकते हैं? वेरी इजी है। क्या बोला तूने? वेरी इजी है। पहले क्या बोला? चल चल चलो
मतलब क्या करना है? कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आपके इकामे के ऊपर रजिस्टर्ड होगा। ओके, फिर आपने उसकी चार इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है, मतलब के बिना इंटरेस्ट के आप ले सकते हैं। ये 69 का 69 ही आपको पे करने हैं, चार इंस्टॉलमेंट पे, मतलब इजीली आप कोई भी चीज ले सकते हैं, एकदम से आपको पेमेंट नहीं देनी। तो लो, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, ताबे बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और आप लोग इसके अंदर इंस्टॉलमेंट डिले करते हैं, नेक्स्ट टाइम मुताबा पे आप, फिर वो आपको ब्लॉक कर देगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा। तो जो लोग भी ताबे से शॉपिंग करें, वो इस चीज का ख्याल रखें कि इंस्टॉलमेंट अपने टाइम पे। दो तीन एप्लीकेशन है, एक दिन की है, अभी एक चीज खरीद रहे हैं, हाँ, जिसके ऊपर हम दोनों जा सकते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर नहीं है भाई, ये आयरन है हेलीकॉप्टर, आयरन हेलीकॉप्टर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। तो जी, अंकल जी भी आ चुके हैं, इनसे बिल करवाते हैं और अपना उठाकर यहाँ से निकलते हैं। अंकल जी, ये ऑफर में है ना, ये वाला 149 में? चलें सर, ये पैक कर दें आप, वो वहां से पैक कर, वहां से। अच्छा, हमें भी मोबाइल नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर। चलें, ठीक है। वो कह रहे हैं जी, वो जो लाइन लगी है ना, वहाँ से जाके आप इसकी बिलिंग करें और वहीं से आप लेकर जाएं। और इन लोगों को अपना बढ़ाओ। सामा, इधर आओ सामा साहब, अच्छे बच्चों की तरह जाओ लाइन पे, जाके लगो और इसका बिल करवाओ जाके। ऐसे तो नहीं होता है, कार्ड आपके पास है? गंदे बच्चों की तरह। हाँ, गंदे बच्चों की तरह करते हैं। तो फाइनली मैंने जो है वो अपने लिए परचेज कर लिया है वैक्यूम क्लीनर। एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए पाकिस्तान में। तो अब मैं यहाँ से ये लेकर इसको कार्गो कर दूंगा। कार्गो ऑलरेडी मेरी सिस्टर का सामान दमाम से जा रहा था, अदील भाई ने कल या परसों दमाम जाना, तो ये मेरी वैक्यूम क्लीनर को वहाँ ले जाएंगे और जाकर उमर को दे देंगे और फिर वो वहाँ से इसको कार्गो कराएगा और ये चला जाएगा पाकिस्तान। वो दूर उसामा खड़ा हुआ है लाइन के अंदर, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अब इसकी नंबर आएगा तो फिर ये वहां से पैसे पेमेंट करवा के सामान खरीद के और फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। जी अदील भाई, अदील भाई तुसी लेना है? अदील भाई कौन सा पसंद किया? सैमसंग गैलेक्सी। यार वैसे अब इनके जो मॉडल है ना, अब इनकी जो फिनिशिंग आ रही है ना, अब कमाल की आ रही है। ये है सैमसंग S23 अल्ट्रा और ये इस टाइम पे सऊदी अरब के अंदर है जी। एक मॉडल है 5199 और दूसरा 5699 में। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया पहले से, अब ये लोग आते हैं बिल्कुल आईफोन के मुकाबले में। इनके कैमरे की जो है ना कैमरा, अब इनके कैमरे की जो क्वालिटी इन्होंने वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर किया पहले से। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अभी ना इसका कैमरे का रिजल्ट दिखाता हूँ, S23 का। अदील भाई, मैं सोच रहा था कि सबको ना कैमरे का रिजल्ट दिखाता हूँ। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अदील भाई, आप यार मोबाइल पे बिजी हो जाते हो, हमारे साथ जब आते हो ना तो यार ऐसे ना किया करो। बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं तो एंड्रॉयड यूजर नहीं हूँ, मैं आईफोन यूज करता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता। परचेज कर लिया भाई, स्टैंप इस पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टैंप लगवा लो इस पे जाके, जल्दी जाओ जी। परचेजिंग कंप्लीट, मिशन डन, अब यहाँ से निकलते हैं घर को। और जब भी बाहर निकलो तो खाना फिर घर जाके नहीं बनाया जाता ना खाया जाता। तो अभी मैं और उसामा और अजीब भाई हम लोग जाएंगे ब्रोस्ट खाने, और ब्रोस्ट अफंदी आज प्लान है। आगे पीछे हम अल्बेक खाते तो आज खाइए अफंदी। सामा की जो हालत है वैसे ही टाइट हुई है, ज्यादा सुस्त हुआ हुआ है इस टाइम पे, इससे चला भी नहीं जा रहा। ये रेडी, इसको ट्रॉली को भी नहीं धक्का लगाया जा रहा है इस बंदे से। आप इसका काम देखो। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा था फंदी का मैंने बड़ा नाम सुना है। हाँ, फंदी ब्रोस का। हाँ, तो आज ट्राई करते हैं। मतलब जो सुना है वो सच है या झूठ है? हाँ, वो सच है या झूठ, क्योंकि बड़े लोगों से सुना है कि अल्बेक का तो टेस्ट एक है ही। हाँ, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। हाँ, लेकिन फंदी जो है ना, बाकी ब्रोस जितनी शॉप्स हैं उनकी निस्बत उनका ब्रोस जो है वो काफी काफी हद तक बेहतर है। शॉपिंग कर ली है और अब जैसा अपने डिसाइड किया कि आज अफंदी ब्रोस खाना है,
तो अफंदी प्रोस्ट यहाँ से सीधा निकलेंगे, थोड़ा सा दूर है लेकिन आज वही है खाने का दिल, तो निकलते हैं वहां पे। दे दें स्पाइसी और इसके साथ हुम्मस है या हुम्मस के बगैर है? एक हुम्मस दीजिएगा साथ में, दो ब्रो स्पाइसी हो गए और एक डाइट पेप्सी और दो रेगुलर पेप्सी जी। इधर इधर ही एक पानी। कितने पैसे हो गए? 46,000 रुपये करो जी। ये हम लोगों का माशाल्लाह से हमारी ट्रे रेडी है लग के और जाते हैं हम खाना शाना खाते हैं। वो उसे वैसे ही बहुत ज्यादा इस टाइम हम सर भाई फाइनली मुँह से पास्तू निकल रहा है। इन चीज़ों को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हम लोगों ने अफंदी ब्रोस से पोस्ट ऑर्डर किया है, ये है जी हुम्मस, इसके बगैर मज़ा बिल्कुल नहीं आता ब्रोस खाने में स्पेशली। और ये है जी अपना गार्लिक मेयो और ये जिस तरह ब्रोस को आप लोग देख ही रहे हैं। खाना छाना खाते हैं इसके बाद मज़ीद आपके साथ आज के भी लोग का कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों के साथ जो है ना अचानक से प्लान बन गया है स्नोकर खेलने का और अभी फिलहाल हम लोग आ गए इस एरिया के अंदर और ये बड़ा वीआईपी और मतलब के हाई फाई एरिया है रियाद का। यहाँ पे वो क्लब है और ये आ गया जी क्लब। इस टाइम मैं रियाद के पोर्श एरिया के अंदर हूँ। यहाँ के आप नज़ारे चेक करें और ये बिल्कुल सामने है क्लब। अंदर मतलब काफ़ी मुख्तलिफ तरह की गेम्स हैं और पिलियर्ड भी है और वो एक होती है वो बडावे बोलते हैं उसको पाकिस्तान में। तो अंदर चलते हैं जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नज़ारे हैं। लड़ी जा रहे हैं एक ऐसे ही चलते नजारे फिर ऐसे ही चलते हैं। जब यार दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। ये देखो कब से हारी जा रहा है लेकिन सुकून नहीं आ रहा। लो जानी फिर भी नहीं, दोनों लड़ी जा रहे हैं बच्चों की तरह लड़ रहे हैं बच्चों की तरह। हल गई फिर भी नहीं, क्या फायदा हुआ गई तो फिर भी नहीं। जितना तू लड़ रहा था उसके साथ अल्लाह बड़े प्लेयर बनते फिरते हैं, पता कुछ भी नहीं है इन लोगों को। अच्छा ये देखो ये मुझे बुला रहा है, कह रहा है जी बटावे खेलते हैं, बटावे खेलने पक्की बात है। और कौन फील होते हुए
तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत ज्यादा थकावट हो गई है हवी वाली, और यहाँ से गेम खेल के हम लोग जा रहे हैं और जाकर अब फिर सोना। तो काइंडली मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बस इतना ही करना आपने। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।